हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है 0.1 एंड KOH सॉल्यूशन को कैसे बनाना है। हाँ जी, है तो बहुत ही इजी, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे कमेंट बॉक्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है कि मैडम कैसे हम इजी तरीके से बना सकते हैं। तो विदाउट टेकिंग टाइम फटाफट हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 0.1 एंड KOH सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले आप KOH पे ध्यान देंगे। KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। मतलब ये बेस है, और बेस है कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो सोपी टू टच होता है, बिटर इन टेस्ट में होता है। और यदि हम बात करें लिटमस पेपर की, तो रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हम KOH का पहले क्या करेंगे, मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे बच्चों। तो फर्स्ट आपका काम क्या है, मॉलिकुलर वेट निकालना है KOH का। तो इसके लिए आप एटॉमिक वेट को काउंट करोगे, तो 39 होता है K का, O का कितना होता है 16, H का होता है 1। इनको टोटल आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। मतलब KOH का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, हम यदि 1 नॉर्मल की बात करें, 1N, यदि हमें KOH सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यही जो 56 है, 56 ग्राम को हम क्या करेंगे, 1000 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर देंगे। ठीक है, मतलब कि आप क्या करेंगे, एक मेजिंग सिलेंडर में 100 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे, और उससे पहले आप 56 ग्राम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, और अप टू 1000 ml डिस्टिल वाटर तक आप उसको फिल करने के बाद वो सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। लेकिन हमें बनाना क्या है, 0.1 N KOH बनाना है सॉल्यूशन। तो 0.1 N KOH सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल 0.1 है तो हो जाएगा 5.6, डिवाइड कर देंगे आप 10 से, तो 5.6 ग्राम आप KOH लेंगे, कितने में, 1000 ml डिस्टिल वाटर में आप इसको डिजोल्व कर देंगे। कितना, 0.1 N KOH सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, 5.6 ग्राम KOH सॉल्यूशन लेंगे और KOH को 1000 ml डिस्टिल वाटर में हम क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। 1000 मतलब कि 1000 ml, मतलब कि 1 लीटर में। ठीक है, तो आपको 1 लीटर में 5.6 ग्राम KOH को मिलाना होगा, और मिलाकर आप उसका सॉल्यूशन बना के रख लेंगे, तो वो किसका सॉल्यूशन होगा, KOH का सॉल्यूशन वो कहलाएगा बच्चों। तो ये है हमारा क्या, हाउ टू प्रिपेयर 0.1 N KOH सॉल्यूशन। है ना बहुत इजी? हाँ जी इजी है, लेकिन हम क्या होता है कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही लैब में जाते हैं और हमसे बोला जाता है कि भैया आपके पास 0.1 N KOH का सॉल्यूशन बनाना है, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि बनाना कैसे है। कुछ नहीं, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद होना चाहिए, और एटॉमिक वेट से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद, जैसे मैंने 1N बताया कि 56 होता है, और 56 में, दूसरी बात एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, क्या ध्यान देना, यहाँ पे N है, N है मतलब कि यहाँ 56 जो है वो 56 का 56 ही लिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखा जाए तो बात दी है, मैं बोलूँ कि मैडम फिर तो 1 M KOH सॉल्यूशन भी ऐसे ले सकते हैं। हाँ जी, 1 M आप KOH सॉल्यूशन भी लेंगे तब भी 56 ही आएगा। ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही होता है, लेकिन जब हम N निकालते हैं तो N में क्या करते हैं, N फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो KOH में N फैक्टर तो K है ना, और K देखा जाए तो N फैक्टर में देखा जाए तो यहाँ पे इसका K मेटल आयन है, और इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज, 1 ही प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होने के कारण ही क्या होगा, आप डिवाइड भी करोगे तो 56 ही आएगा, है ना। तो इस कारण से सिंपल सा ये तरीका है जिससे आप 0.1 N KOH सॉल्यूशन को बना सकते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों से, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि अब मेरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं, जो कि क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज से ही भरपूर मिलेगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।